हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कुछ फ्रीलांसिंग का वर्क है जिसके लिए आप कर सकते हैं घर बैठे एंड कुछ अमाउंट अर्न कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। क्या रिक्वायरमेंट्स है इस काम को करने के लिए? पहली चीज़, आपको बेसिक मैथ्स या साइंस आनी चाहिए, बिकॉज़ ये जो काम है वो कंटेंट डेवलपमेंट का है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे कंटेंट डेवलप करा जाता है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है जो भी बुक्स में होते हैं मैथ्स या साइंस के अभी के लिए। और आपको एक और रिक्वायरमेंट है, आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं। बाकी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे। सेकेंडली, आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ, तो आई कैन नॉट टेल यू द नेम बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, एंड एट द सेम टाइम प्लेजरिज्म का इशू होता है, बिकॉज ये सारा का सारा कंटेंट कंपनी में जाएगा, उसके अंदर आपका सर्वर में जाएगा, तो नाम आपका शेयर नहीं कर सकते, साथ में कॉपीराइट इशू रहता है, तो इस वजह से कंपनी का नाम शेयर नहीं हो पाएगा। सो आप किस ग्रेड के लिए काम कर सकते हैं? फर्स्ट टू ट्वेल्थ का है, और कई बार एंट्रेंस लेवल का एग्ज़ाम होता है, उस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपके जिस ग्रेड में आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो तो आप उस ग्रेड का काम ले सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास जो है फिफ्थ ग्रेड का काम है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज़ फिफ्थ ग्रेड का लेवल ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको कंटेंट नहीं भी पता, आप ऑनलाइन सर्च करके भी उसका आंसर टाइप कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड द आंसर इन टाइप वर्ड टाइप। कौन सा सब्जेक्ट है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैथ और साइंस का सब्जेक्ट है। क्या कोई टारगेट है? नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है। सो टारगेट्स एज सच कोई फिक्स नहीं है, इट्स अप टू यू, बिकॉज आपका टाइम स्केड्यूल जैसा है आप उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बट जो भी आपने काम लिया है, सपोज आपने बोला कि मैं कर पाऊंगा इस बुक का, तो वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन टाइम। और आप बोलते हैं मैं बुक कर पाऊंगा, तो पूरी बुक कर सकते हैं, आपको इशू नहीं है, आपके टाइम के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। सो आप मिनिमम काम लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, वन चैप्टर मिनिमम है और 1 महीने का टाइम होता है, तो नॉर्मली हो जाता है वो बहुत आसानी से। सो नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या हमें कोई मनी डिपॉजिट करना है इस काम को स्टार्ट करने के लिए? कोई मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, आप टाइप करें, आपको फीडबैक दे दूंगा, बिकॉज अगर आप नहीं कर पा रहे तो टाइमली आप वापस रिवर्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो इसीलिए आप इनिशियल स्टेज पे मिनिमम काम लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके लायक है या नहीं है। हाउ मच मनी यू विल गेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आप वेट भी कर रहे हैं। इट इज़ एज पर क्वेश्चन, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड विच ग्रेड यू आर वर्किंग ऑन, सो इट्स पर क्वेश्चन रेट जो है। सो रेट कुछ इस तरीके से है, 1 to 5th ग्रेड के लिए 15 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, 6 to 8th ग्रेड के लिए, ये मैथ्स और साइंस दोनों का है, 30 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, 9th एंड 10th ग्रेड के लिए 40 रुपीज़ पर क्वेश्चन, एंड 11th एंड 12th के लिए 66 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। सो आप कितना अर्न करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने करे इनटू अमाउंट पर क्वेश्चन, तो उतना आपकी इनकम हो जाएगी। तो इट्स टोटली वेरिएबल, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस पे टाइम डिवोट कर सकते हैं। सो पर क्वेश्चन क्या है ये मैं एक बार समझा दूँ, नॉर्मली ये बाद में आपको डाउट आता है तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, देखने में लग रहा हो कि आपने 2 क्वेश्चन करे, बट ऐसा नहीं है। तो अगर इसमें आपने 3 पार्ट हैं और इसमें भी 3 पार्ट है, तो अगर आपने ये 2 क्वेश्चन करे तो इसका मतलब आपने 6 क्वेश्चंस कर लिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन आए तो उसके अंदर पार्ट्स होंगे तो वो भी काउंट होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स हो गए, तो 6 पार्ट्स का आपको मल्टीप्लाई बाय 15, बिकॉज ये 5th ग्रेड का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है। वेन विल आई गेट द मनी, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
सी इट डिपेंड्स अपॉन द अप्रूवल। सो आपके जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो ये फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और वो बहुत सारी फाइल्स आती है कंपनी में। मैं जैसे रिव्यूअर हूँ अपनी कंपनी में मैथ्स का, और भी रिव्यूअर होते हैं, तो सबके पास बहुत सारी फाइल्स आती हैं रिव्यू करने के लिए, और लेवल्स भी हैं रिव्यूअर के। तो इट डिपेंड करता है रिव्यूअर अप्रूवल पे कि कितना टाइम लगेगा। पहला होता है एकेडमिक, उसमें हम चेक करते हैं कि क्या आंसर गलत तो नहीं है, सॉल्यूशन ही गलत हो पता चले। तो इन केसेस में क्या होता है कि अगर ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो ये फाइल आपके पास वापस आ जाएगी, तो आपको उसको एडिट करके वापस भेजना पड़ेगा। अगर गलतियाँ बहुत ही मिनिमम हैं, फुल स्टॉप, ग्रामर, थोड़ा बहुत ग्रामर है, फॉन्ट है, तो उसमें अगर कोई इशू है थोड़ा बहुत, तो वो हम बैठ के खुद ही कर लेते हैं ठीक। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं तो आपकी फाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आप काम अगर करें तो ठीक ढंग से करें, एकेडमिकली गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये तो नो नो है। सेकेंड हो गया फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में ज़्यादा नहीं है कुछ, आपको जैसी फाइल मिलेगी आपको वैसे ही काम करना है। बाकी देखो, आई एम गिविंग यू द फाइल, तो आई एम द फर्स्ट रिव्यूअर, तो मैं आपको खुद ही आपको बता दूंगा कि यहाँ पे गड़बड़ है, आगे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फॉर्मेटिंग के केस में फुल स्टॉप हो गया, कॉमा के बाद स्पेस नहीं, और सॉरी कॉमा से पहले स्पेस नहीं, कुछ इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो नॉर्मली हो जाती हैं हमसे। बेसिक ग्रामर इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर खुद ही रेड निशान दिखा देता है अगर कोई वर्ड गलत लिखा है आपने, स्पेलिंग गलत है, तो वो आपको ठीक करना है। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक। हाँ, एक और लास्ट पॉइंट रह गया कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपने सब उसको एक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे, आपने 4 ही करे, बीच में एक टफ लग रहा था आपने छोड़ दिया। सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एकेडमिकली हेल्प कर सकता हूँ। आप ऑनलाइन सर्च करें, कहीं पे भी सर्च करें, बट वो आंसर वहाँ पे होना चाहिए, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप किसी वजह से छोड़ रहे हैं तो आप मुझे बताएं, दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। सो इस पूरी प्रोसेस में 1.5 महीने से 2 महीने तक लग जाते हैं, तो आप पेशेंटली अगर आप वेट कर सकते हैं तो प्लीज़ तभी ज्वाइन हों, बिकॉज ये एक बार साइकिल है। आपने आज कोई काम सबमिट करा तो 2 महीने बाद हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट महीने करेंगे तो उसके 2 महीने, मतलब नेक्स्ट मंथ, तो फिर वो मंथली आपका पे आउट स्टार्ट हो जाता है। बट फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग होती है वो 1.5 से 2 महीने के बाद ही होती है, बिकॉज उसमें बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं स्टार्टिंग में, आपको भी टाइम लग रहा होता है, हो सकता है फाइल वापस आ रही हो, आप डिसहार्टेड ना हो स्टार्टिंग में, बिकॉज स्टार्टिंग में आप में गलतियाँ होंगी, हमने भी करी हैं। जब मैंने काम स्टार्ट करा था मैं भी टाइप करता था, तो फिर उसमें भी गलतियाँ होती थी। राइट नाउ आई एम ए रिव्यूअर, तो हम रिव्यू करते हैं अब इस समय, तो जब हमने टाइप करना स्टार्ट करा था तो उसमें भी हमारी गलती होती थी, फाइल्स वापस आती थी। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप लर्निंग के लिए कितने ज़्यादा रेडी हैं। हाउ टू कॉन्टैक्ट मी अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो ये मेरी वेबसाइट सॉरी मेरी मेल आईडी है, learningmathwithfun@gmail.com। लर्निंग मैथ विद फन मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। क्या क्या मुझे चाहिए होगा, आपका नाम, एज, सिटी, कहाँ से हैं आप, क्लास इंटरेस्टेड इन, सब्जेक्ट, फ़ोन नंबर, और किस टाइम पे आपको कॉल करा जा सकता है, और मेल आईडी। प्लीज़ ये मेल आईडी टाइप करके देते हैं, आपको कई बार लगता है कि वहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टीडियस हो जाता है, बिकॉज हम एक एक्सेल शीट बना के रखते हैं जहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके रखते हैं कि आप ये सारी डिटेल्स के साथ, सो दैट कोई मिक्स एंड गलती ना हो हमें ट्रैक करने के लिए। सो होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल गई हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, आप मेल कर दें, हो सकता है मैं आपको उसके बारे में डिटेल वहाँ पर बता सकूँ। सेकेंड वीडियो में मैंने इसका वो एस्पेक्ट टच करे हैं कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है, कुछ ट्रिक्स वहाँ पे मैंने शेयर करे हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, वो आपको हेल्प करेगी कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, आपको उसके अंदर कौन सी ट्रिक्स या शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी टाइप करने के लिए।